को भी कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना है, हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंपल फ़ोटो है, इसको देख सकते हो, और ये बना हुआ फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फोटो को हम शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ एडिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए, कलर्स पर क्लिक करके कलर मिक्स पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको आप बढ़ा कर देख लीजिएगा कुछ क्वालिटी कैसे आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब जैसे मन करे वैसे कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज हो रहा है। मैं तो अपना फ़ोटो को बैकग्राउंड वाइट रखूँगा, आप जो कलर पसंद आए उसी को रख लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा फास्ट करके इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे हो रहा है। देख सकते हैं हो गया, इसमें ऊपर से डन करके कलर मिक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं हो गया। अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज किया हूँ, अब इसको आ जाना स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, जूम फोटो को जूम करके सेलेक्टिव सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ब्लैक दिखेगा वहाँ वहाँ सेलेक्टिव मार लीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहीं पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देख के आप वीडियो को आराम आराम से देखिएगा लास्ट तक, तो आप सीख जाएंगे फोटो एडिटिंग करना। तो देख सकते हैं ये हो गया, और ये वाला ब्रश लेकर जहाँ ब्लैक दिखेगा वहाँ मार लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा वाइट हो रहा है, मैं इसको नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फोटो कैसे हो रहा है एडिट। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लिया हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देख सकते हैं हो गया, और सिलेक्टिव पर यहाँ क्लिक करके जहाँ ब्लैक दिख रहा है वहाँ कर लेता हूँ। और यहाँ से फोटो को शेयर कर लेंगे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, और फोटो को जूम कर लीजिएगा और ये वाला ब्रश ले लीजिएगा और ये सेटिंग देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ब्रश का साइज रख लीजिएगा और तब मारिएगा ब्रश, फेस पर क्वालिटी भी आएगा। देखिए मैं मार रहा हूँ, तब आपको क्वालिटी दिखेगा। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, तब दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं मैं कर लिया, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लीजिएगा पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद से ये टूल्स पर क्लिक करके ये एडिंग जस्ट बजा के आप इसका ब्लैकनेस अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसका रख लेता हूँ 7 रख के इसको कम ही रखने देता हूँ, सेचुरेशन को थोड़ा
कम कर लेना, ये मैं 23 रखता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा दूँगा, चाह देख सकते हैं कैसे हो रहा है, आप भी ऐसे बढ़ाकर देख लीजिएगा। फिर टूल्स पर क्लिक करके थोड़ा हेयर का टाइम ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा हेयर कैसे ऊपर की तरह खींच रहा हूँ। अगर आपका भी हेयर डाउन है तो थोड़ा आप ऊपर ऊपर करके उसको तान सकते हैं। फोटो को शेयर कर लेंगे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर और फोटो को जूम कर लीजिएगा और ये वाला ब्रश ले लीजिएगा और ये सेटिंग देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ब्रश का सही रख लीजिएगा और तब मारिएगा ब्रश, फेस पर क्वालिटी भी आएगा। देखिए मैं मार रहा हूँ तब आपको क्वालिटी दिखेगा। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं मैं कर लिया, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लीजिएगा पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद से ये टूल्स पर क्लिक करके ये एडिंग जस्ट बजा के आप इसका ब्राइटनेस अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसका रख लेता हूँ 7 रख के इसको कम ही रखने देता हूँ, सेचुरेशन को थोड़ा कम कर लेना, ये मैं 23 रखता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा दूँगा, चाह देख सकते हैं कैसे हो रहा है, आप भी ऐसे बढ़ाकर देख लीजिएगा। फिर टूल्स पर क्लिक करके थोड़ा हेयर का टाइम ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा हेयर कैसे ऊपर की तरह खींच रहा हूँ। अगर आपका भी हेयर डाउन है तो थोड़ा आप ऊपर ऊपर करके उसको तान सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा हो गया, ऊपर सही क्लिक कर लेंगे फोटो को देख सकते हैं और यहाँ से हम शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। दोबारा से एडिट पर क्लिक करके कलर्स पर क्लिक करके कलर मिक्स पर क्लिक कर लीजिएगा और इसका आप देख सकते हैं कुछ क्वालिटी इसका नज़र आ रहा है कि नहीं, चलिए आपको दिखाता हूँ। सब डाउन कर दूंगा, सब माइनस में कर लेना दोस्तों, अगर आपको भी पीछे बैकग्राउंड करना है तो देखिएगा जो शर्ट का कलर है वो चेंज कीजिएगा। मैं सारा कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं हो गया। हेयर कलर करना है हमको, ये ब्लैक वाला लेकर ये ब्रश ले लेंगे, जूम कर लीजिए फोटो को और ब्लैक वाला सेट करके काला कर लीजिएगा। देख सकते हैं मेरा काला हो गया बाल, ठीक है, ऐसे ऊपर से सेव कर लीजिएगा, सही का निशान वहाँ से सेव कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप हमारा फोटो बनकर तैयार हो चुका है, चलिए इसको जूमिंग करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना फेस स्मूथ हुआ है इसमें, देख सकते हैं कितना भी कर रहे हैं फट नहीं रहा है। ये रहा हमारा सिंपल फोटो है और ये बना हुआ फोटो है, आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त फोटो फेस स्मूथ हो गया है। अगर ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। तब तक लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।